बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैन अलाक्वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते, उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। जब पीएसएल होता है तो हमारे साथ उसके साथ और भी सीरीज लीग्स चल रही होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन बहुत होता है। ये सवाल मैंने इस तरह किया, जब आईपीएल चलते हैं तो आईसीसी तो जाहिर है बीसीसीआई और आईसीसीआई सेम पेज पर है, तो वो सारी लीग्स रुक जाती है, तो हमें नहीं चाहिए हम अपना पीएसएल रखें उसी विंडो में? अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं तो हम उस विंडो में अपना पीएसएल रखेंगे? दुनिया की सारी फ्रेंचाइजों को जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज की, उन्हें इकट्ठा करके कोई एक लीग बनाने की कोशिश करें तो वो मॉनेटरी वाइज फाइनेंसेस से वो आईपीएल को हाफ भी मीट नहीं करेगी। फिर उसकी क्वालिटी नेचुरली इसलिए ऊपर चली जाती है, इसलिए कि उसमें वर्ल्ड के सारे सुपरस्टार्स प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पर खेलें। बाकी सब लीग्स में लोग अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से खेलते हैं। आईपीएल एक ऐसी जगह है, जब इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है वो बोर्ड अपने प्लेयर्स को फ्री कर देता है कि जाके आईपीएल खेलो। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए किसी टूर्नामेंट में, भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले मीडिया में ये खबरें आई थी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली है अगले साल, वो शिफ्ट होकर यूएई में कराया जा सकता है। लेकिन अब ये खबरें आ रही है दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं ये खबर पक्की है कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने वाली। दरअसल मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी या फिर कोई भी टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें भारतीय गवर्नमेंट कभी भी इजाजत नहीं देगी। यही कारण है कि अब आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड को भी ये बता दिया है कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो वो कभी भी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करा सकती। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला चुका है, और भारत के खिलाफ और खास करके बीसीसीआई के खिलाफ और जयशाह के खिलाफ भला बुरा कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में और बीसीसीआई के बारे में क्या बातें कर रही है, देखते हैं इस वीडियो में। जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था, खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी, और फिर ये कहकर कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा, वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैन अलाक्वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते, उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। और उसकी तीन सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में 500 मिलियन डॉलर कमाता है। इसके बाद की जो पांच बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और खास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैन अलाक्वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है, उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, इसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है, और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का साफ पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी, भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए किसी टूर्नामेंट में, भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से
भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। आईपीएल भी खेला, पीएसएल भी खेला, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? पीएसएल बिलाशुबा दुनिया की टॉप लीग्स में से है। आईपीएल की वजूहत लीड की इसलिए है, एक तो इन्वेस्टमेंट दुनिया की सारी फ्रेंचाइजों को जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज की, उन्हें इकट्ठा करके कोई एक लीग बनाने की कोशिश करें तो वो मॉनेटरी वाइज फाइनेंसेस से वो आईपीएल को हाफ भी मीट नहीं करेगी। फिर उसकी क्वालिटी नेचुरली इसलिए ऊपर चली जाती है इसलिए कि उसमें वर्ल्ड के सारे सुपरस्टार्स प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पर खेलें। बाकी सब लीग्स में लोग अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से खेलते हैं। आईपीएल एक ऐसी जगह है जब इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है वो बोर्ड अपने प्लेयर्स को फ्री कर देता है कि जाके आईपीएल खेलो। भाई अगर पीएसएल और आईपीएल एक ही उस पर हो जाए ना, मतलब एक ही डेट्स पर आ जाए, तो हमें इससे फायदा हो रहा है। हमें इससे फायदा इस तरह हो रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में और ये जारी फरवरी और मार्च के बीच में, अप्रैल से आईपीएल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आईपीएल में होता ही है कि जारी जितने सारे प्लेयर तो वहाँ पे नहीं पिक होते, जो सोल्ड आउट नहीं होंगे उन्हें हम भी पिक कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जब हमारा पीएसएल चल रहा होता है तो और लीग्स भी होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन होता है। जब आईपीएल चलता है तो वो कर्फ्यू लगा देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है कि हम दोनों एक ही सेम पेज पे कर रहे हैं। जो हमारी आवाम है वो ज़ाहिर है हमें देखेगी, आईपीएल वाली आईपीएल को देखेगी, और हमारी तो फिर शफाफ शफाफ पीएसएल होती है। इनके यहाँ थोड़ी बुक वुक भी चलती है, ये बात तो है। वो हर जगह पे खैर इस तरह की बात होती है शरीफ भाई, लेकिन देखिए इसके दोनों मुझे प्लस और माइनस दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि चंद प्लेयर्स ऐसे हमारे पास खेल रहे हैं कि जिन्होंने अभी आईपीएल खेलने के लिए जाना है, आप वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल थे। नसीब भाई जब पीएसएल होता है तो हमारे साथ उसके साथ और भी सीरीज लीग्स चल रही होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन बहुत होता है। ये सवाल मैंने इस तरह किया, जब आईपीएल चलते हैं तो आईसीसी तो जाहिर है बीसीसीआई और आईसीसीआई सेम पेज पर हैं, तो वो सारी लीग्स रुक जाती हैं। तो हमें नहीं चाहिए हम अपना पीएसएल रखें उसी विंडो में? अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं तो हम उस विंडो में अपना पीएसएल रखेंगे। देखिए अगर हम उस विंडो के अंदर अपना पीएसएल रखेंगे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी उसी विंडो में होगी क्योंकि उसकी भी टाइमिंग तकरीबन सिमिलर है, तो कन्फ्यूजन हमारे लिए हो सकता है कि बढ़े। इसकी वजह क्या है? वजह ये कि मोस्टली जो गोरे प्लेयर्स हैं वो कभी भी मना कर सकते हैं आईपीएल को, जहाँ पे लक्ष्मी आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, वो उसको भी मना कर देते हैं। जब वो उसको मना कर रहे हैं तो वो पीएसएल में क्यों आएंगे? तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर को अब ये अंदाजा पूरी तरह से हो चुका है कि बीसीसीआई के आगे आईसीसी और दुनिया के क्रिकेट कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि अब बीसीसीआई की पावर को देखकर पाकिस्तानी सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव भी ज़रूर दें। और आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।